गोवा चुनाव पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि गोवा में पूरी की पूरी कांग्रेस ने बीजेपी का नकाब पहन लिया है। वो गोवा में कांग्रेस चुनाव पूर्ण गठबंधन चाहते हैं, लेकिन वहां की लोकल लीडरशिप इसके लिए तैयार नहीं है। राउत ने यह भी दावा किया कि अगर शिवसेना से गठबंधन हुआ तो कांग्रेस को ही फायदा होगा, और अगर कांग्रेस ने गोवा जीत लिया तो फिर वो देश भी जीत सकती है। संजय राउत ने चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर पाबंदी लगाने की भी मांग की। एक गठबंधन की बात चल रही है, एनसीपी आपके साथ तैयार है आने के लिए, कांग्रेस भी आपको कुछ सीटें दे रही है, लेकिन कांग्रेस एनसीपी कांग्रेस हमको कुछ सीटें दे रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही, लेकिन हमें चाहते हैं कि एक गठबंधन बने। जैसे महाराष्ट्र में पोस्ट पोल एक गठबंधन बना, हम प्री पोल बनाना चाहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना एनसीपी वैसा बने, चुनाव लड़े एक साथ। शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, हम लोग बीजेपी से लड़ते आए हैं हिंदुत्ववादी होने के नाते भी, हम होने से कांग्रेस को फायदा होगा, आपको बताता हूं। लेकिन कांग्रेस तो अभी साथ में आने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने आला कमान को निर्देश ये दिया है कि हम स्वयं बल पर जीत जाएंगे, तो ऐसे में कैसे अगर वो जीतते हैं तो आनंद ही आनंद है। अगर उनको बहुमत का आंकड़ा वो लाते हैं अपने ताकत पर गोवा में, अगर लाते हैं तो समझ लो ये लोग देश भी जीत जाएंगे, लेकिन गोवा में लात लाइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।